नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के सेतु पोर्टल के बारे में। दोस्तों अगर आप भी आयुष्मान कार्ड के सेतु पोर्टल यूज करते हैं और अपने यहाँ पर सेतु पोर्टल से आयुष्मान कार्ड यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पर शुरू से अंत तक आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलकुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलकुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर का। खोलने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना setu.pmjy.gov.in या आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना। चलिए यहाँ पर हम टाइप करके सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं setu.pmjy, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना। वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस पोर्टल से आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर में शो कर यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर साइन इन, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर का ऑप्शन शो करा इंपॉर्टेंट नोट में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर एज ए सेल्फ यूजर, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में अपना सेलेक्ट स्टेट क्लिक कर लेना है। फिर अपना यहाँ पर कौन सा स्टेट और स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना मोबाइल नंबर एक डाल देना है जो यूज़ करते हैं। फिर अपना एक ईमेल डाल देना है। फिर अपना मोबाइल नेम डाल देना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना कौन सा जेंडर है। फिर जो आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ है वो डालकर सबमिट कीजिएगा तो आपका आई डी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट कर लेना कुछ सेकंड, तो वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको साइन इन करने का ओपन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ से लॉग इन करते हैं तो आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, यहाँ पर यूजर नोट रजिस्टर विद अस का प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर लॉग इन करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं शो करा यहाँ पर नेशनल हेल्थ ऑथोराइज, यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी पर आपको क्लिक कर देना नेशनल हेल्थ ऑथोराइज पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेट कर लेना कुछ सेकंड। वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्माइल TSS, तो इस पी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं स्माइल TSS पे, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का पेज ओपन हो जाए, तो अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है जो रजिस्टर करते वक्त डाले थे, वही मोबाइल नंबर आपको डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली OTP जनरेट हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम OTP फिल कर देते हैं, तो आपको भी यहाँ पर OTP फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको साइन इन शो करा है तो आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP फिल कर रहे हैं, फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है आयुष्मान का, तो आपको पहले यहाँ पर सारा ऑप्शन लाना पड़ेगा। तो सारा ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फेस ID कॉन फिंगर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कनेक्ट टू मोबाइल ID सर्विस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर शो करा गो होम, तो आपको गो होम पर क्लिक कर देना है। गो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्च करके बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना कौन सा स्टेट है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है उस कौन सा ब्लॉक है, फिर अपना विलेज सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते अभी यहाँ पर ये सर्च वाला काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर PMJSEC पे क्लिक कर देना है, सेकंड में HDHD और राशन कार्ड वाला पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्च पर HDHD और राशन कार्ड वाला पर आपको क्लिक कर देना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। चलिए तो क्लिक करने में आपको वेट कर लेना कुछ सेकंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना फर्स्ट में सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपने पर HDHD और राशन कार्ड आपको यहाँ पर डाल के गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम डाल के गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्चिंग लेना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना कुछ सेकंड। तो वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आप राशन कार्ड डले हैं उसके फैमिली में जितना भी नाम होगा सारा नाम शो कर दे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कार्ड स्टेटस, कार्ड नोट मेड बता मतलब इसका कार्ड नहीं बना, अगर बनाना चाहते हैं तो व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट कर लेना है। चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगा, इंटरव्यू डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं शो कर यहाँ पर देख सकते हैं सेम एज पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसका फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर
ई के वैसे डिटेल वेरीफाई होगा, फिर रिव्यू, फिर उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर सेम एज पे क्लिक कर दें तो उसका नाम गार्जियन नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, उसका जेंडर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो इसका पास बना है, उसका आधार कार्ड में जो है, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट रहेगा, उसको आपको क्या करना है, उसका ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना कौन सा ब्लॉक है, फिर विलेज, फिर उसका यहाँ पर आधार जितना भी एड्रेस है पूरा एड्रेस फिल कर देना है, फिर यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी सेलेक्ट कर लेना, फिर गेट ओटीपी क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, ओटीपी फिल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कंसेंट देकर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, तो आपको वेट कर लेना, हम फिल कर देते हैं। तो फिल कर देख सकते हैं, हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, गेट ओटीपी क्लिक कर देते हैं, पर देख सकते हैं सेंड ओटीपी, तो ओटीपी यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली सेंड हो चुकेगा। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं जो मेरे रजिस्टर मोबाइल पर आया, तो यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं। तो आपको भी यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है, फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंसेंट दे देना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फेचिंग ई के वाई सी ले रहा है, तो इसका यहाँ पर ई के वाई सी हो रहा है, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, जैसे इसका ई के वाई सी हो जाएगा, इसका यहाँ पर देख सकते हैं फोटो शो हो जाएगा पूरा, यहाँ पर आधार में जितना भी एड्रेस होगा पूरा शो कर देगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जितना भी फिल किए हैं सारा शो कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंसेंट दे देना है, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं अटैच फोटो पीपी साइज, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, आपको अगर डालना है तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है, चलिए यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देते हैं, तो आपको भी यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैप्चा फिल कर चुके हैं। फिर आपको नीचे शो करा है सबमिट का, यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम जैसे सबमिट कीजिएगा, तो यहाँ पर अपडेटिंग लेना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेटिंग ले रहा है, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी ऑलरेडी अप्लाई, मैं यहाँ पर इसका पहले ही अप्लाई किया, अगर आप इसका यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर इसका बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, उसका आपको यहाँ पर 24-48 घंटा में उसका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो बनने के बाद आपको डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है। चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन शो करें, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड कार्ड 20.1.0, फिर यहाँ पर डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर सेतु वेबसाइट से अपना यहाँ पर आयुष्मान कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।